हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं जो दोस्तों फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड रखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यानी 65 क्वेश्चन। तो फॉर स्टेरिलिटी टेस्ट द क्वांटिटी ऑफ सैंपल्स फ्रॉम बैचेस ऑफ 10 लीटर्स और मोर शुड बी नॉट मोर देन 15 ml, नॉट लेस देन 5 ml, नॉट लेस देन 10 ml, नॉट मोर देन 10 ml। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉट लेस देन 10 ml। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। हेडिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड इन मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेरिलिटी टेस्ट इज सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, डेट ऑफ इनोक्यूलेशन और टाइमिंग ऑफ इनोक्यूलेशन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइमिंग ऑफ इनोक्यूलेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सीरम फ्रॉम ईच बैच शुड बी टेस्टेड फॉर द एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी बाय इंजेक्टिंग अ नॉर्मल ब्लैंक रखा है डोज सबक्यूटेनियसली और इंट्रापेरिटोनियली। तो जीनिया पिग विद 0.5 ml, माउस विद 5 ml, माउस विद 0.5 ml, जीनिया पिग विद 5 ml। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस विद 0.5 ml इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। सॉल्यूशंस फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी टेस्टेड फॉर द एब्सेंस ऑफ पायरोजन, प्रोटियस, सीडोमोनस और एंटीरोबैक्टर। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए, यानी पायरोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एक्स द डिटेल्स ऑफ द ड्रग्स यूटिलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चर शुड इंक्लूड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, बैच नंबर, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इन चार्ज, मैन्युफैक्चर डेट। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इन चार्ज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एक्स द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चर डेट, ड्रग नेम, बैच नंबर, परचेजर्स नेम। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, परचेजर्स नेम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एक्स क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स ट्रांसफर्ड इज इंक्लूडेड इन डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, डिटेल्स ऑफ द ड्रग यूटिलाइज, डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर ड्रग्स, नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एक्स द डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स शुड इंक्लूड ड्रग नेम, परचेजर्स नेम, परचेजर्स एड्रेस, बोथ बी एंड सी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ बी एंड सी, परचेजर्स नेम एंड एड्रेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द लाइसेंस शुड सबमिट अ डिक्लेरेशन टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन एवरी 1 year, एवरी 3 months, एवरी 6 months, एवरी 4 months। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एवरी 3 months इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, यानी 74 क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल जेस्प्रेडेंस का। द एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू ड्रग शुड बी सप्लीमेंटेड अलॉन्ग विद द डाटा मैंसनड इन शेड्यूल बाई, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल सी और शेड्यूल जेड। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है शेड्यूल बाई इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसी के साथ हमने टॉप 10 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।